ठीक है। तो अभी हम लोग आज का टर्म्स देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से टर्म जो है वो आज में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो सबसे पहला क्या है, इंट्राडोस। इंट्राडोस क्या है, द इनर कर्व ऑफ द आर्च। जो इनर कर्व है, जो अंदर वाला पार्ट का जो कर्व है उसको बोलते हैं इंट्राडोस। दूसरा क्या है, सोफिट। सोफिट क्या है, इनर सरफेस ऑफ द आर्च। जो आर्च का जो इनर सरफेस है उसको बोलते हैं सोफिट। एक्स्ट्राडोस, एक्स्ट्राडोस क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल एक्सटर्नल कर्व ऑफ आर्च। जो एक्सटर्नल कर्व है आर्च का उसको बोलते हैं एक्स्ट्राडोस। ये क्या है, विसोसियर। विसोयर ठीक है। ये क्या है, वेज शेप्ड यूनिट फॉर्मिंग कोर्सेस ऑफ एन आर्च। जो वेज शेप यूनिट होता है जो आर्च का कोर्स बनाता है उसको उसको बोलते हैं विसोरियस। तो इसके बाद स्क्रू बैक। स्क्रू बैक, स्क्रू बैक क्या है, इंक्लाइंड सरफेस ऑफ एबेडमेंट। इट इज प्रिपेयर टू रिसीव द आर्च। जो इंक्लाइंड सरफेस है जिसपे हम लोग आर्च को बनाते हैं उसको बोलते हैं स्क्यू बैक। ठीक है, इंक्लाइंड सरफेस जिसपे हम लोग आर्च को बनाते हैं, आर्च को रखते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्क्यू बैक। तो इसके बाद क्या है, स्प्रिंगर। ये क्या है, फर्स्ट विकोरियस एट स्प्रिंगिंग लेवल ऑन आइदर साइड ऑफ आर्च विच इज एडजस्टेड एडजेसेंट टू स्क्यू बैक। ठीक है, ये क्या है कि ये फर्स्ट विकोरियस है, स्प्रिंगिंग लेवल पे आइदर साइड ऑफ आर्च विच इज एडजस्टेड टू स्क्यू बैक। ठीक है, आर्च के दोनों साइड पे जो हम लोग इंस्टॉल करते हैं उसी को बोलते हैं स्प्रिंगर। फिर क्राउन, क्राउन मतलब जो हाईएस्ट पार्ट होता है एक्स्ट्रा डोज का उसको बोलते हैं। जैसे ही अगर आर्च बना रहे हैं तो आर्च का जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है इसको बोलते हैं क्राउन। ठीक है, तो इसका है कि वेज शेप यूनिट एट क्राउन ऑफ आर्च। जो वेज शेप यूनिट होता है क्राउन पे उसको बोलते हैं की। इट इज मेड प्रोमिनेंट बाय मेकिंग इट ऑफ लार्जर सेक्शन एंड प्रोजेक्टेड अबव एंड बिलो द आउटलाइन ऑफ द आर्च। ठीक है, द वेज शेप यूनिट एट क्राउन ऑफ आर्च। ठीक है, की जो है वो क्या है, वेज शेप यूनिट है आर्च के टॉप मोस्ट, एक्सट्राडोस के टॉप मोस्ट पार्ट पे। ये लार्जेस्ट सेक्शन का बनता है, मेकिंग इट ऑफ लार्जेस्ट सेक्शन एंड प्रोजेक्टेड अबव एंड बिलो द आउटलाइन ऑफ आर्च। ठीक है, एबेडमेंट क्या है, द एंड सपोर्ट ऑफ द आर्च। ठीक है, एबेडमेंट जो है, जो एंड सपोर्ट है आर्च का उसको बोलते हैं पायर। इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ द ऑफ एन एरकेड। ठीक है, जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होता है आर्च का उसको बोलते हैं हम लोग, अगर इंटरमीडिएट सपोर्ट अगर कहीं देते हैं तो उसको बोलते हैं पायर। फिर नेक्स्ट क्या है, स्प्रिंगिंग पॉइंट, पॉइंट फ्रॉम विच कर्व ऑफ एन आर्च स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंगिंग पॉइंट क्या है, जो वहां पे जहां से आर्च जो है वो स्प्रिंग करता है इसी को बोलते हैं स्प्रिंगिंग पॉइंट। स्प्रिंगिंग लाइन, स्प्रिंगिंग लाइन क्या है, इमेजिनरी हॉरिजेंटल लाइन ज्वाइनिंग टू स्प्रिंग पॉइंट्स।
ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि दो स्प्रिंग पॉइंट को ऐड करता है, जोड़ता है। पैन क्लियर हॉरिजेंटल डिस्टेंस बिटवीन सपोर्ट, दो सपोर्ट के बीच। हेलो, हाँ,